अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 है, इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम 19 है। वो कहता है सर्टेन नट क्रैकर है जिस पे फोर्सेस लग रही हैं एटलीस्ट 40 न्यूटन की, मस्ट एक्ट टू शेल्फ फ्रॉम बोथ साइड, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और कहता है नट क्रैकर जो फिग में 12.36 में, उसका डिस्टेंस कैप जो एल है 12 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस जो है 2.6 सेंटीमीटर है। वट आर द फोर्सेज F perpendicular to the handle correspond to 40 Newton. अब इसमें जो concept है ना, बुनियादी तौर पे यही है कि जो torque हम net apply कर रहे हैं इस पे, वो उतना ही होगा जितना perpendicular force की वजह से होगा, क्योंकि parallel force तो torque पैदा करेगी नहीं। तो हम इसको वही कहेंगे कि जो आपका torque apply हो रहा है net cracker पे, वो उतना ही है जितना perpendicular force की वजह से है। तो sum of torque का concept ले लेते हैं, sum of torque should be equal to zero, equilibrium use करते हैं। तो इसमें जो हिंग है यहाँ पे, ये हमारा पिविट बन जाता है। तो अब आपको कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं, दो हैं, ये आपका पिविट से एफ परपेंडिकुलर इनटू एल और डी इनटू 40, ये जो हमें बताया गया है। तो अब आपके पास अगर दोनों का कंसेप्ट देखा जाए तो ये भी एंटी क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज एक टॉर्क आ जाएगा। तो यहाँ से सम ऑफ फॉर टॉर्क के लिहाज से सॉल्व करेंगे, हमें एफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है, तो 8.7 न्यूटन आ जाएगा। तो ये जनाब आपके पास इसका आंसर था। मोमेंट आर्म बड़ा हो गया ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।